students in our today's lecture we will be completing the remaining portion of chapter 5 of each standard we will start from google docs budget today till now we have learned about cloud computing what is cloud computing let's revise it when is no online सेव करते हैं डेटा हमें अपने पास पर्सनली कोई जगह लेने की या स्टोरेज करने की या कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है और हम नेट पे सब कुछ स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे हम वहाँ से रिट्री भी कर सकते हैं इट कैन बी फ्री ऑफ कॉस्ट और वी हैव इट माई बी पॉसिबल डेट वी हैव टू पे फॉर इट आल्सो डैट इज़ नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग नाउ वी विल डू सम प्रैक्टिकल वर्क हाउ टू डू इट हाउ टू सेव द डेटा ऑनलाइन विद दी हेल्प ऑफ गूगल हाउ टू क्रिएट द गूगल डॉक्यूमेंट्स हाउ टू क्रिएट द फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड हाउ टू शेयर इट विद अदर्स ना गूगल डॉक्स डॉक्स मीन्स डॉक्यूमेंट्स विच वी प्रपेयर तो कहते हैं गूगल पर हम डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं कितने तरह के तीन तरह के जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं स्प्रेडशीट हो गया एंड प्रेजेंटेशन हो गया बेटा क्या होता है बेटा डॉक्यूमेंट जैसे हम राइटर में बनाते हैं है, है ना स्प्रेडशीट में क्या होता है हम लोग एक्सेल का फॉर्म आता है ना जिसमें सेल्स होते हैं रोज एंड कॉलम्स होते हैं हम लोग उस डेटा के साथ सब मैनिपुलेशन कर सकते हैं कैलकुलेशन कर सकते हैं वो किस में आ जाता है स्प्रेडशीट में और जब हमने कोई चीज़ अपनी प्रेजेंट करनी होती है तब हम किसकी हेल्प लेते हैं या प्रेजेंटेशन बनाते हैं पावर पॉइंट के इज़ इट्स ओर नॉट तो हम ये तीनों डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं डॉक्यूमेंट्स मीन्स फाइलें है, है ना अब इसका फ़ायदा क्या होगा जैसे कि हम पहले चैप्टर में भी इसके चैप्टर के पहले पार्ट में भी सेशन में कर चुके हैं कि डैट गूगल डॉक इज़ फ्री फॉर द इंडिविजुअल यूज़र हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है अपने कंप्यूटर में और हम एप्लीकेशन एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स हम लोग एक्सेस कर सकते हैं मीन्स हम रिट्रीव कर सकते हैं या ले सकते हैं देख सकते हैं नेट पे एनी टाइम एंड फ्रॉम एनी वेयर एंड दे आर नो कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी नहीं है कि ये इसका हार्डवेयर पे रन होगा नहीं होगा ओपन होएगा या नहीं होएगा या इस तरह का प्लेटफॉर्म चाहिए इतने का प्रोसेसर चाहिए या ये वर्जन चाहिए सॉफ्टवेयर नथिंग और सच काइंड डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड ऑनलाइन एंड वी कैन रिट्रीव इट एनी टाइम जैसे मैंने पहले कहा कोई ये नहीं कि आपको पेन ड्राइव वगैरह लेके जानी पड़ेगी या कोई ऐसा पोर्टेबल डिवाइस लेके जाना पड़ेगा डिस्क कि मैं वहाँ जाके इसको लगा लूँगा और मैं इसमें ओपन कर लूँगा होता है ना कई बार कि जैसे हम लोग अपने घर में काम कर रहे हैं ऑफ़िस में काम कर रहे हैं मुझे लगता है कि रिमेनिंग काम मुझे घर पर करना है तो मैं उसको अपने पेन ड्राइव में डाल लूँगी ठीक है और घर जाके अपने घर वाले कंप्यूटर पर लगा दूंगी पेन ड्राइव एन एम एबल टू डू द वर्क कहते हैं ऐसा भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है डाटा स्टोर ऑनलाइन और बहुत सिक्योर होता है है ना और हम कब जब चाहें उसको निकाल कर देख सकते हैं रिट्रीव कर सकते हैं डेटा को एंड डेटा इज आल्सो वेल प्रोटेक्टेड ऑन द गूगल अब हम गूगल जो पेजेस डॉक स्टार्ट करते हैं करना कैसे है हाउ टू स्टार्ट विद द गूगल टॉक सबसे पहले हमने गूगल पेज खोलना है जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ठीक है फिर नंबर वन दे रखा है ना बेटा वहाँ से हमने क्या करना है साइन इन इज़ इट ओके और गूगल अकाउंट पेज आ जाएगा जैसे कि ये नेक्स्ट आ रहा है वो हमें लॉग इन आई एंड क्या मांगेगा हमें पासवर्ड मांगेगा जो नंबर टू दे रखा है और नंबर थ्री में हम लोग क्या करना है हम लोगों ने केवल नेक्स्ट पे क्लिक करना है और जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे सामने सॉरी सेम स्क्रीन इज कमिंग तो हमारे सामने फिर ये वाली स्क्रीन आ जाती है बेटा ठीक है और वहाँ से हमने नंबर फोर जिसको दे रखा है गूगल ऑन गूगल एप्स पर क्लिक करना है सारे गूगल ऐप्स हमारे सामने आ जाएंगे फिर वहाँ से हमने नंबर फाइव पे क्लिक करना है जहाँ पे क्या लिखा हुआ है डॉक और डॉक ऐप अपीयर हो जाएंगे हमारे सामने ऑल द टू गूगल डॉक्स आर गोइंग टू अपीयर उनके अलग अलग क्या हैं टैम्पलेट्स हैं प्री टैम्पलेट क्या होता है प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं हम उनमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं ठीक है हमें वो सेम फॉर्मेट उनका मिल जाएगा नहीं तो हम खुद का बनाना चाहते हैं तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेंगे ठीक है और एंड देन जस्ट एम टी डॉक्यूमेंट हमारा स्क्रीन पर हमें दिखाई दीजिएगा जैसे कि यहाँ पर दे रहा है इंसर्शन पॉइंट इज़ देयर आई फॉर्म में आ रहा है ना जहाँ इंसर्शन पॉइंट होएगा आई फॉर्म वहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एंड वी कैन क्लिक ऑन दिस बटन टू रिटर्न टू डॉक ऐप होम ऊपर रेड कलर में दे रखा है ना बेटा अगर हम दोबारा से अपनी एप्लीकेशन वाली जो पीछे स्क्रीन थी हम ये वाली हम उस पर जाना चाहते हैं तो हम सिंपली ये रेड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे एंड वी कैन गो इट अभी हम बात कर रहे थे आई वाली पॉइंट जहाँ आई ये ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है बेटा दिखाई दे रहा है ना बेटा यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं हम टाइप अपना टेक्स्ट कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे नंबर सेवन पे इन्होंने कर दिया है ठीक है ऑल योर टेक्स्ट इज ऑटोमेटिकली सेव्ड ऑन योर टाइप एज यू टाइप जैसे हम टाइप करते हैं वो सेव हो जाता है और कहाँ पर सेव होता है गूगल ड्राइव में जाके ये क्या है ऑनलाइन स्टोरेज है जहाँ पर डेटा सेव हो रहा है ठीक है वैन वी वैन यू रिटर्न टू डॉक ऐप होम द न्यू डॉक्यूमेंट विल बी डिस्प्लेड ऑन द गूगल डैक डॉक लिस्टिंग मीन्स और वो कहाँ पर दिखाई देगा हमारी उसके अंदर आ जाएगा कहाँ पर इट विल कम टू द लिस्ट के अंदर हमारा पूरा डिटेल आ जाएगा लेकिन जो भी हमारी गूगल होम की है गूगल ड्राइव में मीन्स वो फाइल हमारी आ जाएगी जैसी हम करेंगे लेकिन अगर हो सकता है कि ठीक है मैंने इसको अब री नेमिंग देनी है या रीनेमिंग करनी है अपनी जो भी मैंने डॉक्यूमेंट बनाया क्योंकि वो किस में आएगा अनटाइटल्ड फॉर्म में आएगा तो सिंपल हमने क्या करना है जैसे नंबर वन दे रखा है फाइल पर क्लिक करके रीनेम पे क्लिक कर देना जो कि हमारा नंबर टू है ठीक है और टेक्स्ट बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा जैसे कि नंबर थ्री में आ रहा है वहाँ पे हमने टाइप कोई भी नाम कर दे यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग इन्होंने कर रखा है और क्लाउड कंप्यूटिंग करने के बाद हमने क्या सिंपल प्रेस कर देना वी हैव टू प्रेस द एंटर एंड और नेम ऑफ द फाइल विच वी हैव जस्ट क्रिएटेड इट विल बी गिवन द न्यू नेम ऑवट एंड इट इज गोइंग टू सेव वेयर गूगल ड्राइव बट अब हमें ये फाइल अपनी शेयर भी करनी है टू तो सम पीपल तो सिंपली जैसे ये दे रखा है हमारा शेयर बटन पर हमने क्लिक करना है ठीक है कहाँ पर क्लिक करना है शेयर पे हम ई मेल के थ्रू भी अपना फाइल्स अपनी फैमिली या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को शेयर कर सकते हैं ठीक है उसके करने के लिए हमने किस पे क्लिक करना है शेयर पे और फिर शेयर विद अदर्स डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा आ रहा है ना बेटा और फिर ये पीपल करके आगे लिखा हुआ है यहाँ पे हमने क्या देना है उनकी ई मेल डाल देनी है और फिर लास्ट में थर्ड पॉइंट किस पे क्लिक कर देना वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन द सेट हम ये लिंक टू किसी को भी भेज सकते हैं बस शेयर पे क्लिक करके शेयर विद अदर्स आ गया और टॉप राइट में गेट शेयरबल लिंक और लिंक ऑफ योर फाइल अपीयर हो जाएगा और हमने बस क्या करना है जिसको भेजना है उसको हमने शेयर कर देना ईमेल आई पे ओके बच्चे फिर नेक्स्ट आ जाता है अब हमने रीनेमिंग कर दी है शेयर कर लिया है मीन्स अपनी फाइल बना ली है हमने अपने गूगल डॉक जो हम बना रहे थे ऐप उससे मुझे बाहर जाना है सिंपली हाउ टू डू इट अपने गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है जैसे नंबर वन दे रखा है एक पॉपअप विंडो आ जाएगी जो आपके सामने दिखाई दे रही है ना यहाँ पे इट विल कम जैसे ही क्लिक किया वहाँ से हमने किस पे क्लिक कर देना साइन आउट तो हम जो डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे गूगल डॉक्यूमेंट बना रहे थे हम तो तीन तरह के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं तो ये तो राइटर में है जिसमें हम लिख रहे हैं सिर्फ वर्ड के अंदर तो हम वहाँ से बाहर आ जाएंगे बच्चे इज़ इट ओके अब हमने मैंने अभी क्या बताया कि हर काम हम कहाँ करते हैं ड्राइव पे सेव कर रहे हैं जो भी नेट का काम हो रहा है ठीक है अब मैं देखना चाहती हूँ मेरे गूगल ड्राइव में कौन कौन सी फाइल्स हैं नॉन तो हमें सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा उसके अंदर साइन इन होना पड़ता है हम लोगों को क्या होना पड़ता है साइन इन जैसे नंबर वन दे रखा है फिर गूगल अकाउंट पेज आ जाएगा जा जैसे ये आ रहा है वहाँ पे हमने ईमेल आईडी अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है जैसे अभी हमने किया है फिर हमने नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है फिर गूगल पेज आ जाएगा हमारे सामने गूगल ऐप पर क्लिक करना है नंबर फोर पर तो फिर वहाँ से हमने किस पे पहले हमने डॉक्स पर क्लिक किया था इज़े हमने वहाँ पर नहीं हमने किस पे क्लिक करना है ड्राइव पर किस पे क्लिक जहाँ पर नंबर फाइव दे रखा है वहाँ पे हमने बेटा क्लिक किया एंड द नेक्स्ट पेज विल बी अपीयर इन फ्रंट ऑफ अस ओके एंड फ्रॉम देयर वी आर गोइंग टू और गूगल ड्राइव विंडो हमारे सामने आ जाएगी ठीक है अब द फाइल वी हैव क्रिएटेड इन गूगल टॉक जो हमने प्रीवियस सेक्शन में की है वो सामने यहाँ पे लिस्ट के अंदर डिस्प्ले हो जाएगी आ रही ना क्लाउड कंप्यूटिंग इट इज गोइंग टू कम वी कैन आल्सो शेयर दिस फाइल टू अदर्स यूजिंग द गूगल ड्राइव आल्सो अब हमने जो हमने फाइल्स अपलोड करनी है जो हमने बनाई हैं फ्रॉम अब हम फाइल हमने हो सकता है कि ये वाली जो हमने फाइल अपने अपने कंप्यूटर पे बनाई जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे अपलोड फाइल और फोल्डर अभी ये तो अभी हमने बना ली ठीक है अब हमने अपने हार्ड ड्राइव पे बनाई हुई है और मुझे गूगल ड्राइव पे डालनी मतलब आपने कंप्यूटर पे अपने बनाई हुई है हमने गूगल ड्राइव नेट पे डालनी ऑनलाइन बनानी सिंपल क्या करना है हमने न्यू बटन पे क्लिक करना है जैसे कि वन पे दे रखा है ठीक है ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगी और वहाँ से हमने किस पे किस पे क्लिक करना है बेटा यू हैव जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन डैट इज़ योर अपलोड फाइल क्या करना है अपलोड क्लिक ऑन फाइल अपलोड एंड इट विल बी इट इज़ गोइंग टू अपलोड इट चूज़ द फाइल टू अपलोड डायलाग बॉक्स अपेयर हो जाएगा फाइल अपलोड करते हुए जो भी हमें फ़ाइल चाहिए वो हम लेंगे एंड देन क्लिक ऑन जो भी हमने फाइल लेनी है बेटा ब्राउज कर लेना अगर स्क्रीन पर नहीं ना दिख रही हम आगे पीछे उसको ब्राउज कर सकते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन द ओपन बटन एंड द सेलेक्टेड फाइल विल भी अपलोडेड ऑन द गूगल ड्राइव बेटा फिर नेक्स्ट आ जाता है बच्चे हमारे नेक्स्ट पेज पर पी, ऑर्गेनाइजिंग फाइल एंड फोल्डर्स अब हर चीज़ हाँ देखो सीरीज वाइज में होनी चाहिए अब हम लोग लाइन में ही खड़े होते हैं तो आप असेंबली में किस तरह करते हैं छोटी हाइट वाला काम फिर उससे आगे फिर उससे आगे है ना जिस तरह हाइट बढ़ती है या कोई भी हम अरेंज करते हैं अपना बैग आप पैक करते हैं तो प्रॉपर्ली करते हो ना लंच बॉक्स कहाँ होना चाहिए आपकी बुक्स किस स्लॉट में होनी चाहिए किस वाले पोर्शन में बैग के आपका पेंसिल बॉक्स होना चाहिए लंच होना चाहिए तो हम ऑर्गेनाइज वे में करते हैं क्यों करते हैं हम इजिली उसको फाइंड आउट कर सकें तो इसी तरह अपनी फाइल्स को भी हमें ऑर्गेनाइज वे में करना है तो उसके लिए हम लोग फोल्डर्स क्रिएट कर देते हैं फोल्डर के अंदर फोल्डर भी कर सकते हैं और फोल्डर्स के अंदर हम लोग अपनी फाइलें रख सकते हैं सब फोल्डर्स रखते हैं जब कोई फोल्डर के अंदर फोल्डर होता है तो डैट इज़ नोन एज बेटा सब फोल्डर नथिंग मोर देन डैट फोल्डर एक बेटा नथिंग जैसे फाइल होती है वैसे ही फोल्डर है बस उसके अंदर हम कुछ और डाल सकते हैं मीन्स एक ऑर्गेनाइज वे में किसी चीज़ को रख सकते हैं तो सिंपली हमने फोल्डर क्रिएट करने के लिए हमने किस पे क्लिक करना है वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन न्यू और न्यू के बाद हमने किस पे क्लिक कर देना है फोल्डर ठीक है और फोल्डर फोल्डर क्या करता है ऑर्गेनाइज फाइल्स इन अ गूगल ड्राइव इन द एंड इन द फोल्डर फाइल आर ईजियर टू फाइंड वेन यू नीड इट इट्स हम ईजिल फाइंड कर सकते हैं अब न्यू फोल जब मैंने फोल्डर न्यू पे जाके फोल्डर पे क्लिक किया न्यू फोल्डर बॉक्स आ जाएगा वी हैव टू टाइप द नेम एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट और वो कहाँ क्रिएट हो जाएगा हमारा गूगल ड्राइव में क्योंकि ऑल दिस एक्टिविटी इज गोइंग ऑन गूगल ड्राइव और अगर हमें इस फाइल को मूव करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तो सिंपली नथिंग फाइल को चूज़ करो जिसको हमने मूव करना है एंड देन वी विल क्लिक ऑन मोर एक्शन बटन जो नंबर टू दे रखा है ड्रॉप अप मेन्यू हो जाएगा और वहाँ से हमने किस पे क्लिक करना है क्लिक ऑन मूव टू ठीक है और फिर हमने इस फोल्डर पे क्लिक करना है जहाँ पे हमने मूव करना है एंड देन क्लिक ऑन मूव एंड द फाइल विल बी मूव टू द पर्टिकुलर लोकेशन वेयर वी वांट टू मूव द थिंग्स फिर बेटा नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा डिलीटिंग का फ़ाइल मुझे कोई पर्टिकुलर फाइल ही मान लो डिलीट करना है तो सबसे पहले मैंने गूगल ड्राइव में से उसको क्या करना है सेलेक्ट करना है ठीक है और फिर मैंने किस पे क्लिक कर देना है रिमूव बटन जो टू नंबर उसको लाइनिंग दे रखी है ठीक है अब कई बार होता है हम गलती से भी रिमूव कर सकते हैं इज़ it so or नॉट फिर मैं वापस लेना चाहती हूँ तो येस नथिंग टू वरी ऑप्शन इज़ देयर फॉर अस क्योंकि जो कुछ भी हम डिलीट करते हैं वो कहाँ चल जाता है जैसे हम कोई चीज़ अपने घर का कूड़ा है या कुछ भी है या आप स्कूल में ही लो, आपने पेंसिल शॉर्प की है या कोई पेपर फट गया है उसको थ्रो करना है तो डस्टबिन में डाल देते हैं ना ठीक है ना तो उसी तरह जो भी हम डिलीट करते हैं यहाँ से फाइल वो कहाँ चल जाती है एक तरह का बिन ही है जो नेट ऊपर होता है दैट इज़ योर ट्रैश वो सारी फ़ाइलें ट्रैश में चली जाती हैं और वहाँ से हम देखो बहुत अच्छी बात कि हम री भी कर सकते हैं सिम्पली हमने फ़ाइल को सिलेक्ट करना है ठीक है जो हमने रीस्टोर करनी है और हमने क्या कर देना है क्लिक ऑन री स्टोर trash द ट्रैश बटन इसे नंबर वन ये दे रखा है ना बेटा ट्रैश पहले सिलेक्ट करो क्योंकि वहाँ पे हमारी फ़ाइलें चली गई हैं फिर आपने क्या करना है फाइल को सिलेक्ट करना है ट्रैश में से और फिर हमने नंबर थर्ड किस पर क्लिक कर देना क्लिक ऑन रीस्टोर फ्राम द ट्रैश पट इज रोके नंबर थ्री दे रखा है एंड द फाइल विल बी रिट्रीव बैक लेकिन बेटा अगर हमने ट्रैश में से ही डिलीट कर दी इट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी परमानेंटली डिलीटेड एंड वी विल नॉट एबल टू रिट्रीव इट फ्रॉम इट ओके वो क्या क्योंकि कई बार होता है स्पेस ज़्यादा हमारी ऑक्यूपाई हो रही है मीन्स अननेससरली बड़ी हुई हैं वो है ना क्यों रखें हम ऐसे ही आपके कंप्यूटर के साथ है, वैसे ही गूगल ड्राइव पे है तो सिंपली हमने क्या करना है ट्रैश पे क्लिक करना है सिलेक्ट फाइल करनी है जो हमने रिमूव करनी है पिछली बार में किया था बस अब क्या है अब हमने डिलीट फॉर एवर पे क्लिक कर दिया है पहले यहाँ से हम किस पे क्लिक कर रहे थे री स्टोर ट्रैश अब हमने किस पे क्लिक करना है क्लिक ऑन डिलीट फॉर एवर बटन और तो वो ट्रैश से भी चली जाएगी एंड वी विल नॉट एबल टू रिट्रीव इट ओके एंड डिलीटेड फॉर एवर अगर हम करते हैं अगेन आई रिपीट डिलीट फॉर एवर तो वी विल नॉट एबल टू रिट्रीव डैट फाइल अब हमें कोई फ़ाइल और फोल्डर ड्राइव में से शेयर करनी है जैसे पीछे हमने किए तो सिंपल हमने सेलेक्ट फाइल और फोल्डर करना है विच वी वॉन्ट टू शेयर एंड देन वी विल क्लिक ऑन शेयर बटन ठीक है और जैसे हम शेयर बटन पर करेंगे शेयर विद अदर डायलॉग्स आ जाएगा जैसे कि राइट एंड लेफ्ट साइड में आ रहा है वहाँ पे हमने ईमेल आईडी डालनी है जिसको हमने वो फाइल शेयर करनी है एंड सिंपली वी विल क्लिक ऑन द सेंड बटन ओके बेटा सो देन वी हैव टू गूगल ड्राइव में से बाहर भी आना है है ना वी हैव फिनिश ऑफ विद द वर्क तो सिंपली वट गूगल अकाउंट आइकन पर क्लिक करना है जैसे कि नंबर वन यहाँ पे दिखाई दे रहा है पॉप अप विंडो आ जाएगी और हमने किस पे बेटा क्लिक कर देना वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन द साइन आउट बटन जैसे जब काम अंदर करना है तो हम साइन इन करते हैं और जब हमने गूगल ड्राइव विंडो से बाहर जाना है या गूगल ड्राइव से बाहर जाना है वी सिंपली क्लिक ऑन द साइन आउट ओके बेटा थैंक्स डैट्स ऑल विद द चैप्टर